समय हम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मतलब कि 4 नंबर गेट पे खड़े हैं, जहां पर काशी कॉरिडोर बनाया गया था। और इस समय आप देख सकते हैं कि 4 नंबर गेट से एंट्री हो रही है, और जितने दर्शन यात्री जो भी बाहर से आए हुए हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको दर्शन किस तरीके से प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है, ये भी हम बात करेंगे। और काशी विश्वनाथ टेम्पल के ठीक बाहर खड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन से कतारें लगी हुई हैं और दर्शन हो रहे हैं। जो भाई लोग दर्शन करके निकलने होंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग भाई लोग दर्शन करना है कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है काशी, अब कैसी रह गई है, तो लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हो भाई जी, आप कहाँ से हो? गोंडा से। अमित जी गोंडा, गोंडा से। दर्शन कर लिए आपने? नहीं, अभी करने जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ पर लग रही है प्रशासन की, क्या व्यवस्था? अभी दर्शन किए नहीं है ना। प्रशासन की क्या व्यवस्था लग रही है यहाँ पे? अब यहाँ तो व्यवस्था अभी तक तो सही है, आगे व्यवस्था क्या है हम नहीं जानते हैं। दर्शन नहीं किया अभी? नहीं, दर्शन नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे जो दर्शन अभी नहीं किए, मतलब लाइन लगी हुई है, और जो लोग दर्शन नहीं किए हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पंडित जी भी हैं, जो कि यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन लोग से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने, यहाँ पे किस तरीके से अंदर जाने दिया जा रहा है, किस तरीके से सामान को बाहर रखा जा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ही काशी कॉरिडोर आपका है 4 नंबर गेट, तो यहाँ पे जो दर्शन आती है, एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं, इनसे पहले हम जानेंगे कहाँ से हैं आप? जी हम वाराणसी 80 से हैं। जी आप ये बताएं कि जब से ये 4 नंबर गेट बना है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, तो दर्शन करने में कितना पुलिस सहायता देती है? पुलिस तो बहुत सहायता करती है, क्योंकि हम लोग तो लोकल हैं, मान लीजिए जो अन्यत्र लोग आते हैं बाहर से, उन लोगों को बहुत सुविधा होती है। कॉरिडोर बनने से बहुत लाभ हुआ है और भीड़ भी बहुत कम हो गई है। मान लीजिए जो इकट्ठा एक जगह सारे एकत्र होते थे, वो विस्तृत होकर के 1 नंबर गेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गेट से अन्यत्र करके भीड़ को डिवाइस करके कम कर दिया जाता है। जी और ये बाबा की कृपा है, बाबा काल भैरव के सबके ऊपर बनी रहे। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। और भी हम जानेंगे कि इस चीज़ के और कि जिस तरीके से अंदर अब जब एंट्री होती है, तो क्या सामान मोबाइल वगैरह बाहर रखा जाता है कि सामान को अंदर लेके जाने की एंट्री है? जी कमेस्टिक का सारा सामान बाहर रख दिया जाता है, मोबाइल भी बाहर रख दिया जाता है, खाली शरीर जाता है और जल जाता है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरह की जनता, यहाँ की जो लोकल जनता है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे दर्शनार्थी जो आते हैं उनको अच्छे से अंदर करवाया जाता है, और अंदर मोबाइल वगैरह अंदर एंट्री नहीं है, मोबाइल को अंदर ले जाना सख्त मना है। मतलब कोई लैगेज हो चाहे वो सामान हो, वो बाहर रहेगा, अंदर मंदिर तक नहीं जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं हमारी यूपी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे जवान खड़े हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम खड़े हुए हैं, या काशी कॉरिडोर मतलब काशी का एक ऐसा मुख्य रूप है, जो लोग यहाँ पे खास करके जो दर्शन करके निकल रहे हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करेंगे। दर्शन करके भाई साहब निकल रहे हैं समय, आप दर्शन करके निकल रहे हैं आप? क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं नागपुर से आया हूँ। नागपुर से, कैसा लगा दर्शन करके निकल रहे हो? बहुत बढ़िया लगा। किसको बताएंगे अंदर का? बस अभी कल एक अभिषेक करना है, आज बराबर देख नहीं पाया मूर्ति। तो क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा है? हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट है। सुरक्षा व्यवस्था की बात किया है तो बहुत ज्यादा है। मतलब कैसा लगा, मतलब अंदर आज गंगा आरती के लिए लेट हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात करेंगे, गंगा आरती के लिए लेट हो रहा है, मगर अंदर से जो लोग निकल रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि वाकई में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और जो लाइनें हैं ये लगी हुई है, और एक तरीके से कहा जाए तो जो दर्शनार्थी हैं लगातार यहाँ पे सुबह नहीं रात से ही लाइन लगी रहती है, और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे आकर दर्शन कर लें, बाबा का आशीर्वाद ले लें। तो हमारे साथ बने रहिए, हम हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे पल पल की पब्लिक लाइफ के द्वारा। कैमरा पर्सन कुर्सी आलम के साथ।